Okay, student, today learn mathematics part 2 standard 10 practice set for point 1 practice set for point 1 page number 96 construction karenge. Theek hai, to first इन्होंने ABC का पूरा दे दिया है साइड का वैल्यू, बट LM इसका LMN का ट्रायंगल का नहीं दिया, तो इसको हम फाइंड करेंगे. रिलेशन दिया है, ठीक है. तो फर्स्ट हम ऑलरेडी गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू LMN गिवन है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं, राइट. सो AB अपॉन LM, देयरफॉर AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN, BC अपॉन MN दैट इज इक्वल टू AC अपॉन LM, AC अपॉन LN. यह है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, सो हमको बट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया बी सी अपॉन एम एन, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4, द फोर बी सी का है 6, 6 अपॉन 4 इज 5/6 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4, द फोर एम एन इज इक्वल टू 6 × 4 अपॉन 5. ओके, सो ये आ जाएगा, दरफोर सो एम एन इज इक्वल टू 6 × 4 = 24 अपॉन 5, डिवाइड कर लो, सो यू विल गेट 4.8 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर. ओके, सो नेक्स्ट अब इसको कंपेयर करते हैं. फर्स्ट ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन. सो ए बी का दिया है 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन, इसका वैल्यू है 5/4. सो 5/4, सो देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू 4 × 5.5 अपॉन 5, कट हो जाएगा तो 1.1. सो एल एम का वैल्यू आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर. ओके, तो ओके अभी लास्ट हमको एल एम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे. बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एम, बट बी सी का वैल्यू दिया है इसका है 5/4, 5/4 एंड ए सी का है 4.5. सो 4.5 अपॉन एल एन, सो एल एन का वैल्यू आ जाएगा 4.5 × 4 अपॉन 5, सो दैट विल बिकम 445 अपॉन 10 × 5 × 4, 5 × 9 = 36 अपॉन 10, सो 3.6. ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ तक करना है, सब साइड मिल गया हमको, इसके बाद हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ यू ड्रॉ इट. तो फर्स्ट ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दोनों ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी और एल एम एन दो. सो इसके बाद कंपास लेंगे, 5.5. ओके, 5.5 लेना है यहाँ पे, 5.5 लेके यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट, इधर कट करना. उसके बाद 5.5 लेना है, ओके, 5.5 सेंटीमीटर लेके कट करना है. उसके बाद ए सी है 4.5. ओके, तो 4.5 फिर से लेना है यहाँ पे, फिर से थोड़ा एडजस्ट करके 4.5 लेना पड़ेगा तुमको, 4.5. तो यहाँ से और एक कट करो, तो यहाँ पे मीट करेगा ए, तो फिर इसको ज्वाइन करो, बस वही करना है. ओके, नेक्स्ट ए ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 4.8 ले लेते हैं, 4.8 यहाँ पर ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो यह आएगा एम एन 4.8 सेंटीमीटर. ओके, अभी एल एम का है, एल एम इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 4.4 लेके यहाँ से कट करो, यहाँ से एक यहाँ पर कट करो. उसके बाद एल एन का है 3.6 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करो. ठीक है, एडजस्ट करो 3.6, एडजस्ट करके यहाँ से और एक कट करो, तो यहाँ पे मीट करेगा एल, तो इसको अभी ज्वाइन करो. ये तुम्हारा दोनों ट्रायंगल हो गया. ठीक है,
नीटली ड्रॉ करो, मैंने इतना प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके सेकंड प्रॉब्लम, तो फर्स्ट रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं देख लो। ठीक है, उन्होंने दे दिया ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू सब दे दिया है। ठीक है, तो पहले पी क्यू आर है और एल टी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल है राइट, पी क्यू स्मॉल है। इसके बाद जैसे पी क्यू आर जो है वो अंदर आएगा और एल टी आर बाहर आएगा। ओके, सो बट यहाँ पे क्यू रॉन्ग है राइट, इसके लिए हम इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे और इसको उधर लेंगे। ओके, ताकि यहाँ पे फिर एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे एक्सटेंड होगा तो ये बन जाएगा एल टी आर पी क्यू आर। अभी ये दोनों मैच हो रहे हैं, ऐसे करेंगे तो रॉन्ग दिखेगा। एल टी आर इज नॉट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं है, इसके लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आएगा डायग्राम तुम्हारा, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आएगा और उन्होंने वैल्यू दे दिया है इसका, कितना दिया है इसका, पी क्यू का दिया है, आर क्यू का दिया है 5.4 सेंटीमीटर एंड इसका है 4.8 सेंटीमीटर एंड इसका है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डायग्राम है, तुमको याद रखना पड़ेगा अगर ये स्मॉल है तो ये पी क्यू आर अंदर आएगा, अगर बड़ा रहेगा तो बाहर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके बाद एक बार ये हमको समझ में आ गया फिगर, फिर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले आर क्यू लेंगे 5.4, तो यहाँ पर ले लेते हैं 5.4 आर क्यू 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद 4.8 लेना पड़ेगा, कंपस में लेना पड़ेगा राइट, कंपस में 4.8 ले लो, फिर यहाँ से कट करो। यहाँ से कट करो एंड 4.8 हो गया, अभी 4.2 लेना है। ठीक है, 4.2, तो इसको भी यहाँ पे कंपस में लेना पड़ेगा 4.2। ओके, यहाँ पे मैंने मेजर में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करना है करके, बट तुम लोग मेजर में कर लो। यहाँ पे आएगा 4.8, यहाँ पर एक एक कट करो, आ जाएगा ये आ जाएगा पी। ओके, तो इसको कनेक्ट करो, और इसको कनेक्ट करो, जो हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है, इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, कोई भी मेजरमेंट कर लो। तो इसको ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, ठीक है याद से। अब यहाँ पर फोर है, मतलब यहाँ पे हम फोर कट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, एडजस्टेबल वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू लेके यहाँ पे वन लेना है, वन, वही मेजरमेंट लेके टू, वही मेजरमेंट लेके थ्री, वही मेजरमेंट लेके फोर लेना। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। चार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर है इसके वजह से। ठीक है, तो अभी इसको और इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करते हैं, इसको नहीं करना है, इसको करेंगे, इसको कनेक्ट किया हमने। ओके, तो इसको और इसको कनेक्ट किया राइट। उसके बाद पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रख के ऐसे कट करना है, तो यहाँ पर रख के ऐसे फिर कट करना है।
तो फिर यहाँ पर रख के, यहाँ पर रख के ये जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट में कट करना है, तो वही पॉइंट को यहाँ पर लेना है, वही पॉइंट को इधर कट करना है, ये पॉइंट और उसको कनेक्ट करना है। तो ऐसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इधर भी वही करना है, इधर भी पैरेलल ड्रॉ करना है हमको, तो इधर भी वही करेंगे, यहाँ से लेके ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एडजस्ट करो और इसको थोड़ा कट करो, तो यहाँ पे भी एडजस्ट करो, कट करो, और थोड़ा पैरेलल के हिसाब से ये बनेगा एल, ये बनेगा टी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड करते हैं। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, ये जो ट्रायंगल है ऐसे जॉइंट होके नहीं आएगा, सेपरेट आएगा। और हमें कैसा पता चलेगा कि वो जॉइंट आता है या सेपरेट आता है? राइट, यहाँ पे एक्स वाई जेड सेपरेट आएगा, राइट, ये दोनों अलग आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है, कोई भी ए आर एस टी ये अलग है, एक्स वाई जेड अलग है, डिफरेंट है, इसके वजह से कोई भी वर्टाइज उसका जॉइन नहीं होता है। बट लास्ट प्रॉब्लम हमने देखे थे, प्रॉब्लम नंबर टू में ऐसे आया था, क्यों? क्योंकि कॉमन रहता है इसमें। तो ऐसे अगर कॉमन आया तो मतलब ऐसे ज्वाइन करके ड्रॉ करना है, अगर कॉमन नहीं है तो ऐसे सेपरेटली ड्रॉ करना है। ओके, तो ये दोनों सिमिलर है, गिवन है, तो इसके लिए ये एंगल और ये एंगल एच एंड वाई इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के वजह से। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, राइट। तो अभी हमको बस ये फाइंड करना है, ये साइड और ये साइड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आर एच अपॉन एक्स वाई, आर एच अपॉन एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड, दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आर टी अपॉन एक्स, ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये भी दे दिया है, आर एच अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, इट इज ऑल्सो गिवन। ओके, आर एस अपॉन एक्स वाई 3/5 गिवन है, तो ये ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर आर एस का है 4.5, 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल 3/5, सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 5/4.5 अपॉन 3, सो दैट विल बिकम 5/45 अपॉन 3/10, सो बनेगा 3/1 15, सो इट विल बिकम 5/15 5 बनेगा 7.5 होगा, 5/2 एंड दैट विल बिकम 7.5। ओके, सो गेट 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया हमको एक्स वाई। अभी हमको ये एक साइड और एक साइड कैलकुलेट करना है, एक करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, हमको ये चाहिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भूल जाएंगे, तो हम ये ले लेते हैं, ये साइड ले लेते हैं। सो आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड, तो आर एस अपॉन एक्स वाई दिया है 3/5, सो देयरफॉर 3/5 एस टी है 5.7 अपॉन वाई जेड। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल बिकम देयरफॉर वाई जेड इज इक्वल टू 5/5.7 अपॉन 3, सो दैट विल बिकम 5/57 3/10 3/1 27.9। ओके, सो कैलकुलेट 19/5, सो 95। ओके, सो दैट विल बिकम 95 अपॉन 5, सॉरी 10,
109.5 ओके, तो हमको ये वैल्यू आ गया, तो इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे 9.5 सेंटीमीटर। अभी हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ ड्रॉ करना है। ठीक, तो फर्स्ट एस्ट ड्रॉ करते हैं 5.7, इसके बाद एंगल ड्रॉ करते हैं 40 डिग्री है, तो यहाँ पर 40 डिग्री लेते हैं, राइट। यहाँ पर 40 डिग्री लेंगे, इसके हिसाब से 40 डिग्री आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, आई थिंक ये रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, एंड इसके बाद 4.5 है, 4.5 कंपास में लो, कंपास में 4.5 लो, 4.5 इसको कट करो, अब इसको ज्वाइन करो, तो आ गया आर, ओके। अब ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 9.5 लेना है, यह आएगा 9.5 सेंटीमीटर वाई जेड, एंड एंगल वाई दिया है, एंगल वाई 40 डिग्री, तो अगेन यहाँ पे कंपास लेके 40 डिग्री ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसको ज्वाइन करो, तो यहाँ पे 7.5 दिया है, 7.5 लेना है यहाँ पे, ओके 7.5 ले लो यहाँ पे, 7.5 ले लो, और यहाँ से कट करो, इसके बाद इसको और इसको ज्वाइन करो, ये आ गया एक्स, तो इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 40 डिग्री है ये, 40 डिग्री है, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वाला प्रॉब्लम करते हैं, ओके। थोड़ा पेज 92 पर रेफर कर सकते हो, ओके। पेज 92 में एक एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू गो थ्रू। सो फोर्थ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोनों कॉमन है, ए और ए कॉमन है, मतलब ज्वाइंट होके आएगा, ज्वाइंट होके आएगा या अंदर आएगा क्या बाहर आएगा वो भी है, तो यहाँ पे बिग वैल्यू है, यहाँ पे ऊपर का देखना है, अगर बिग वैल्यू है तो इट विल गो आउटसाइड होके, तो कैसे आएगा दुख, तो यह डायग्राम ड्रॉ करते हैं टी ए एम, एंड उन्होंने एंगल भी दे दिया टी ए एम का 50 डिग्री दिया है, राइट, एंड हमको ए एंड ए एच ई, ए एच ई यानी कि ए एच ई वो अंदर आएगा, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इतना दिया 6.3 सेंटीमीटर, एंड ये इतना दिया है 5.6 सेंटीमीटर, ओके। तो पहले ये बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, छोटा नहीं करना है, ठीक है, जो फाइंड करना है वो लास्ट में करना है, तो बिकॉज ये वैल्यू, ये जो ट्रायंगल है बिग है, तो बड़ा ट्रायंगल आएगा, फर्स्ट ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 6.3 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, 6.3 पहले ले लेते हैं, फिर 50 डिग्री लेना है, ठीक है। मैं स्केल के हिसाब से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, तो अभी यहाँ से 50 डिग्री लेना है, यहाँ से 50 डिग्री लेंगे, 50 डिग्री यहाँ से 50 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बड़ा लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5.6 दिया है, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 लेके कट करना है, यहाँ पर 5.6 लेना है, 5.6 उसके बाद यहाँ से कट, तो फिर इसके बाद इसको कनेक्ट करना है, ये तुम्हारा टी, हमारा ट्रायंगल अंदर आएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पार्ट की ज़रूरत नहीं है हमको। इसके बाद लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे कोई भी मेजर लो, ये मेजर लो, ये मेजर लो, कोई भी एक मेजर लो,
ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, छोटा ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, बिगर वैल्यू लेना है, बिगर वैल्यू इक्वल टू 7। तो 7 टाइम हम कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो 1 2 3 इसको ऐसे कट करो, 4 5 6 7, तो हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, अभी इसको नहीं लेना है, ऊपर वाले का बाहर है, तो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं हमको, तो इसको और इसको कनेक्ट करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट इसको पैरेलल ड्रा करना है, जैसे लास्ट में, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से एक लाइन लेना है, सॉरी आर्क लेना है, और हमको 5 दिया है, इधर 5 दिया है, तो यहाँ पर ढूंढो, उधर 5 है, देखो ये यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर एक आर्क लो, वही मेजरमेंट जो मेजरमेंट यहाँ में लिया था, सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पर कट, फिर इसको और इसको एडजस्ट करो, तो वही मेजरमेंट को इधर कट करो, एंड ये पॉइंट ए वाफ ए फाइव का पॉइंट और ये पॉइंट उसको थोड़ा एडजस्ट करके ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये लाइन आ गया, अभी यहाँ से भी वही करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लेके कट, तो ये लाइन से लेके कट, और क्या दिया, और ये एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके कट, और ये और ये एडजस्ट करके कट, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है, ये आ गया H और ये आ गया E, तो ये है तुम्हारा ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे दिया है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 94 में दिया है, तो यहाँ पे दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, उसको थोड़ा गो थ्रू करो, ठीक है। नेक्स्ट 4.2 करते हैं।